तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2023 कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को जो रुक जाना नहीं का कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर मिलेगा उसमें सारे के सारे यही वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12 इतिहास विषय के पेपर में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाने हैं और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना चाहिए। देख सकते हो टोटली आपका जो पेपर होगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कम्प्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो यहाँ से रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2023 कक्षा 12 का इतिहास का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को ताकि आप सभी को एक पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर बताए गए इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से करके जरूर जाएं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है चाणक्य कौन थे संक्षेप में लिखिए, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप लोग यहाँ से इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाएगा, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई, इनकी रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, जैन धर्म के 2 सिद्धांत समझाइए, तो यहाँ से आप लोग जैन धर्म के 2 सिद्धांतों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए, तो यहाँ से आप लोग महात्मा बुद्ध के 2 शिक्षाओं के बारे में यहाँ से लिख लें आप लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें आप लोग क्या लिखा है, उलमा कौन थे संक्षेप में बताइए, तो यहाँ से आप लोग उलमाओं के बारे में लिख लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा याद कर लेंगे। और इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है भारत में महात्मा गांधी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहाँ हुई थी, तो इसको आप लोग लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे, क्या लिखा है संविधान के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए और कितने दिन तक बैठ के आयोजित की गई, तो इसको आप लोग लिख लें। इसका उत्तर क्या लिखा है, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित हुए जिनमें 165 दिन भिन्न भिन्न मुद्दों पर बैठ के आयोजित की गई। और उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो लिखा गया है इसको आप लोग याद कर लेंगे, इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों अथवा मुद्राओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ से आप लोग लिख लें, पहला है आर्थिक दशा का ज्ञान, दूसरा है तिथिक्रम का निर्धारण, और उसके बाद में तीसरा लिखा है साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, और इसके बाद में धार्मिक दशा का ज्ञान और कला विकास का ज्ञान। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इसको भी देख लें, जैन धर्म के प्रसार का संक्षिप्त विवरण लिखिए, तो यहाँ से आप लोग जैन धर्म के प्रचार के बारे में लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है आइन ए अकबरी की रचना के 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ से आप लोग आइन ए अकबरी के बारे में लिख लें, वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के पार्ट का, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। और उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपके इस पार्ट का, आप लोग सभी लोग यहाँ से इसको लिख लें अच्छे से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन चर्चा कीजिए कि अलवार नयनार और वीर सेवोम ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचनात्मक प्रस्तुति की है, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा याद कर लेंगे इसको। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना, तो इस जगह से आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लें और अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको भारत का मानचित्र भरना होगा, तो आप सभी लोग इसको देख लें। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इसके अलावा कुछ और IMP प्रश्न बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको पूरा देख कर जरूर जाएँ।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप लोग इनका भी रिवीजन कर लेंगे। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, तो एक ये वाला क्वेश्चन, मेगस्थनीज कौन था, संक्षेप में लिखी है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो जो सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इनका रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के पेपर में आने के लिए, तो आप लोग इसका रिवीजन कर लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से बार बार ये पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग हैं तथा कौन कौन से हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, सरिया क्या है संक्षेप में समझाइए, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और ये उलमा कौन था, ये तो पहले हो चुका है। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, सरिया क्या है, ये किस प्रकार उद्भूत हुआ, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए, तो आप लोग इसका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, आप सब लोग कम से कम इनका रिवीजन अच्छे से ज़रूर कर लें। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपके पेपर में आने वाले वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न और उन सभी के उत्तर बता दिए हैं, तो आप सभी लोग इनका रिवीजन अच्छे से ज़रूर कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।